सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कठमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटावा लेकर आओ। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना जरूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या जरूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुभाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रोप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था, लेकिन अल्लाह सुभाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रोप्यूज, दिस प्रोप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रोप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर वन। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रोप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं, और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस, पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है, दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? पॉइंट नंबर वन मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोडक्शन नहीं रहेगा, और दूसरा ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं कहने, उसके पैगाम पे अमल करते हैं कहने। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई, जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कहने। उसके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, और जैसे मैंने कहा कि अक्सर